ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विश्व विख्यात ज्वालामुखी मंदिर में श्रवण अष्टमी नवरात्रों के आठवें दिन महागौरी माता के रूप में ज्वाला माँ का पूजन किया गया। इस दिन हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र ज्योतियों के दर्शन किए और माँ का शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। नवरात्रों में अष्टमी पूजन में माँ ज्वाला को हलवे और पूरी का भोग लगाया गया और बाद में कन्या पूजन भी किया गया। विश्व विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में श्रवण अष्टमी नवरात्रों के आठवें दिन महागौरी माता के रूप में ज्वाला माँ का पूजन किया गया। इस दिन हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र ज्योतियों के दर्शन किए और माँ का शुभ आशीर्वाद भी प्राप्त किया। नवरात्रों में अष्टमी पूजन में ज्वाला माँ को हलवे और पूरी का भोग लगाया जाता है और बाद में कन्या पूजन किया जाता है। पुजारी अभिनेंद्र शर्मा ने कहा कि विश्व विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में अष्टमी नवरात्रि को माँ महागौरी के रूप में ज्वाला माँ का पूजन किया जाता है। इस दिन हजारों श्रद्धालुओं ने लाइनों में लगकर माँ के दर्शन किए और ज्वाला माँ को हलवे पूरी का भोग लगाया और फिर कन्या पूजन भी किया। सुबह से ही हजारों श्रद्धालु ज्वाला माँ की पवित्र ज्योतियों के दर्शन के लिए लाइनों में लगकर ज्वाला माँ के जयकारे लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज्वाला माँ इन सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करे और इन सब की यात्रा सफल करे। जय माता की। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के आठवें नवरात्रे में आज मंदिर जो श्री ज्वालामुखी में भक्तों की अच्छी भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि छठे ही सातवीं और अष्टमी नवरात्रे को मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। और सभी नवरात्रों में आठवां नवरात्रा सबसे ही महत्वपूर्ण नवरात्रा है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और महागौरी के रूप में महामाई का पूजन करते हैं और कन्या पूजन करके व्रत का जो जिन्होंने नवरात्रों का व्रत रखा होता है उसका वो पारायण करते हैं। और आज के दिन लोग उसके बाद हवन यज्ञ करके महामाई से इस जो उन्होंने अनुष्ठान रखा हुआ है व्रत रखा हुआ है पूर्णोत्ति के उपरांत महामाई से विशेष फल की कामना करते हैं। और ये आठवां नवरात्रा सभी देवियों में सबसे ही महागौरी के रूप में मनाया जाता है और अभीष्ट मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। प्रथम सहर पुत्री दित्य ब्रह्मचारिणी कृत्य चंद घंटे थी कुष्मांडे थी चतुर्थम पंचम स्कंद माते षष्ठम कात्यायनी थी सप्तम कारात्री महागौरी शासक नवम सिद्धिदात्री। अर्थात कल जो नवा नवरात्रा होगा इसके बाद में वो हमारे सभी नवरात्रों के बाद में सभी कार्य को सिद्ध करने वाला होता है। इसमें विशेष जो आठवां नवरात्रा है वो लोग इसमें व्रत रखते हैं और महामाई का पूजन करते हैं। और आज मंदिर में विशेष भीड़ देखने को मिल रही है। सभी जो पंजाब से लंगर लगाने वाली संस्थाएं आई हुई हैं वो आज अपने लंगरों के समापन के बाद महामाई को हलवा पूरे के भोग लगा रही हैं और कन्या पूजन कर रही हैं। जय माता की और सच्चे दरबार की जय। यूपी से आए हुए श्रद्धालु ने बताया कि ज्वालामुखी मंदिर में नवरात्रों में आए हुए हैं, प्रशासन की तरफ से बहुत ही अच्छा इंतजाम किया गया है। सभी श्रद्धालुओं को लाइनों में लगकर दर्शन करवाए जा रहे हैं। अपने परिवार सहित मुजफ्फरनगर यूपी से आया हूं। यहां पर मंदिर की व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, साफ सुथरी सफाई व्यवस्था बहुत बढ़िया मिली है।